डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने चैप्टर 6 को बहुत ही अच्छा से रिवाइज कर लिया होगा। आज हम लोग चैप्टर 7 को डिस्कस करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, द डैश नेचर ऑफ द मॉनसून विंड्स मे कॉज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। द डैश नेचर ऑफ द मॉनसून विंड्स मीन्स मॉनसून विंड्स का कैसा नेचर मे कॉज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जो डैमेज और लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज करने का कारण बनता है। तो साइक्लोनिक नेचर, मॉनसून विंड्स का साइक्लोनिक नेचर मीन्स बहुत ही तेज चलना, 180 के स्पीड से चलना, मीन्स साइक्लोनिक नेचर मॉनसून विंड का प्रॉपर्टी और लाइफ को डैमेज करने का कारण बनता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, द डैश ब्रिंग्स रिलीफ टू द फार्मर्स, कौन फार्मर्स के लिए रिलीफ लाता है? तो मॉनसून ब्रिंग्स रिलीफ टू द फार्मर्स, मॉनसून फार्मर्स के लिए रिलीफ लाता है। जब बारिश होती है तो फार्मर्स को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी जो फसलें होती है, उनका जो क्रॉप्स होता है, और अच्छा हरा भरा खिलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 3, इन द माउंटेनस रीजन्स इट स्नोज ड्यूरिंग डैश, माउंटेनस रीजन में किस समय स्नो पड़ते रहता है? तो विंटर सीजन में, मीन्स विंटर सीजन के ड्यूरिंग में स्नो पड़ते रहता है माउंटेनस रीजन में हमेशा। ड्यूरिंग डैश द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स, डेज लंबा कब होता है, लॉन्गर कब होता है? तो जब मॉनसून आता है, मीन्स गर्मी की सीजन आती है, तो उस समय डेज लंबा होता है और नाइट छोटा होता है। आप देखते ही होंगे कि सेवन ओ क्लॉक दिन में 7 o'clock तक सूरज अभी दिखाई देता ही रहता है। तो मॉनसून सीजन में डेज लंबा होता है और नाइट छोटा होता है, तो इसमें आपको फील करना है, ड्यूरिंग मॉनसून द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स, नाइट्स के तुलना में डे लंबा होता है। स्ट्राइक आउट द रॉन्ग वर्ड्स, जो रॉन्ग वर्ड्स है उसको बाहर निकालना है। फर्स्ट नंबर, द हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स इन मौसिनराम या कोची, द हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स इन मौसिनराम, ये आपका करेक्ट है, सही है। कोची यहाँ पे रॉन्ग है, तो रॉन्ग को बाहर करना है, तो इसको बाहर कर देंगे, मीन्स इसको क्रॉस कर सकते हैं या सर्कल कर सकते हैं। सेकेंड नंबर, लू आर साइक्लोनिक या हॉट विंड्स डैट ब्लो इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग समर, लू जो होता है वो साइक्लोनिक होता है या हॉट विंड होता है। तो यहाँ पे हॉट विंड आपका करेक्ट है, साइक्लोनिक नहीं होता है। लू 180 की स्पीड से नहीं चलता है, बल्कि वो हॉट विंड होता है, जो नॉर्थ इंडिया में समर के समय में अक्सर लू चलते रहता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, इन विंटर नाइट्स आर लॉन्गर या शॉर्टर, विंटर में तो आप सभी जानते ही हैं कि जो नाइट्स होता है वो लॉन्गर हो जाता है। विंटर सीजन में नाइट्स लॉन्गर होता ही है और डे छोटा होता है, तो आपको यहाँ पे लॉन्गर करेक्ट हो जाएगा और शॉर्टर रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इसको या तो सर्कल कर दीजिए या क्रॉस कर दीजिए। फोर्थ नंबर, द मॉनसून विंड्स फर्स्ट स्ट्राइक द केरला या गोवा कोस्ट,
तो मानसून विंड्स आप लोग पढ़े ही होंगे, मानसून विंड्स सबसे पहले स्ट्राइक करता है तो केरला से स्टार्ट होता है मानसून विंड्स, और फिर केरला से कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, इस तरह से करते करते बिहार भी आता है। तो ये आपका सही आंसर इसमें होगा, केरला गोवा को स्ट्राइक आउट करना है। ट्रू फॉल्स, राइट, ट्रू और फॉल्स। हेवी रेन्स कॉज ड्राउट्स, हेवी रेन कॉज ड्राउट मीन्स ज़्यादा बारिश होती है तो सूखा हो जाता है, तो ये गलत है। ज़्यादा बारिश होती है तो फ्लड्स आता है, बाढ़ आता है, ना कि ड्राउट होता है, तो इसलिए फॉल्स होगा। डस्ट स्टोम्स आर कॉमन इन असम, असम में डस्ट स्टोम नहीं आते हैं, मीन्स राजस्थान में डस्ट स्टोर्म आते हैं, तो ये भी फॉल्स होगा। तमिलनाडु गेट्स रैन इन नवंबर एंड दिसंबर, तमिलनाडु में रैन नवंबर एंड दिसंबर में आते हैं, तो ये आप पढ़े होंगे कि अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु में रैन आते हैं, इसलिए फॉल्स होगा। हॉट ड्राई विंड्स ब्लो अक्रॉस द कोस्टल एरियाज, जो हॉट ड्राई विंड्स है वो कोस्टल एरियाज़ में ब्लो करते हैं, बहते हैं, तो कोस्टल एरियाज़ में तो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, कूल विंड चलते हैं। ये हॉट ड्राई विंड राजस्थान की तरफ चलता है, तो इसलिए ये भी फॉल्स होगा। इसके आगे है आपका क्वेश्चन आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई आर समर्स माइल्ड इन द कोस्टल एरियाज, व्हाई आर समर माइल्ड, समर नरम या सुहावना क्यों होता है इन द कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज में जो समर है, गर्मी है, वो नरम या हल्का या सुहावना मीन्स अच्छा क्यों होता है, तो वही है, समर्स आर माइल्ड इन द कोस्टल एरियाज बिकॉज These regions have a still lower temperature due to the cool sea breeze. Summer सुहावना होता है, हल्का होता है कोस्टल एरियाज़ में, क्योंकि उस रीजन का टेम्परेचर बहुत ही लो रहता है, इसलिए लो रहता है क्योंकि कूल सी ब्रीज वहाँ चलते रहते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, वाई डू पीपल गो टू द हिल स्टेशंस इन समर, लोग हिल स्टेशन पर समर में क्यों जाते हैं, तो हिल स्टेशन पर लोग समर में कम गर्मी पड़ती होगी तभी तो जाते हैं। पीपल फ्रॉम द प्लेन्स गो टू द हिल स्टेशंस इन समर बिकॉज द हिली एरियाज आर रिलेटिवली कूल ड्यू टू देयर हाइट, जो हिल होता है, हिल स्टेशन, वहाँ हाइट ज़्यादा होता है, लेकिन आप पढ़े हैं पिछले वीडियोज़ में कि जो जहाँ का ऊंचाई ज़्यादा होता है, हाइट ज़्यादा होता है, वहाँ टेम्परेचर कम होता है, तो जो हिल स्टेशन होते हैं वो ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं, तो प्लेन के कंपैरिजन में मींस नॉर्थ इंडिया इन सब के कंपैरिजन में जो हिल स्टेशंस है वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, इसलिए लोग वहाँ जाते हैं, उनको अच्छा लगता है। वेन डज द कोरोमंडल कोस्ट गेट रैन, कोरोमंडल कोस्ट मीन्स जो चेन्नई का कोस्ट है, तमिलनाडु का कोस्ट है, आंध्र प्रदेश का कोस्ट है, वहाँ पे रैन कब होता है, व्हेन डज द कोरोमंडल कोस्ट गेट रैन, कोरोमंडल कोस्ट को रैन कब प्राप्त होता है, द कोरोमंडल कोस्ट गेट रैन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, कोरोमंडल कोस्ट को रैन अक्टूबर और नवंबर के महीने में प्राप्त होता है, उसको वहाँ पे नवंबर एंड अक्टूबर में रैन पहुँचता है। तो ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो गया, आप इसे अच्छा से रिवाइज करें। थैंक यू।